रोटरी क्लब भोपाल हिल्स द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते भोपाल स्थित शांति निकेतन कॉलोनी में 75 फलदार पौधे रोपे गए। पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विश्वास जी सारंग, चिकित्सक शिक्षा मंत्री। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार एवं श्रीमती मालती राय, महापौर भोपाल, गेस्ट ऑफ ऑनर एवं श्री राकेश यादव स्थानीय पार्षद के रूप में शामिल हुए। पौधारोपण कार्यक्रम रोटरी क्लब भोपाल हिल्स और ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल सोशल एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर भोपाल स्थित रोटरी क्लबों के बड़ी संख्या में सदस्यों एवं उनके परिवारजनों, इंटरेक्टर क्लबों के बच्चों एवं ग्रीन भोपाल सोशल एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। रोटे अनिल कुमार जी गुप्ता कार्यक्रम के संचालक, रोटे सुरेश श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं रोटे अमित वर्मा ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। रोटे डॉक्टर अनुप कुमार गोयल एवं रोटे डॉक्टर रश्मि जी गोयल, जो कि शांति निकेतन कॉलोनी के रहवासी हैं, उन्होंने इन पौधों के रख रखाव एवं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। रोटे कर्नल डीसी वर्मा क्लब प्रशिक्षक ने कहा कि रोटरी क्लब भोपाल हिल्स रोटरी अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट 3040 का एक विशिष्ट क्लब है, जो समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा, रोगों की रोकथाम, चिकित्सा, पर्यावरण एवं दिव्यांग लोगों की सहायता करता है। रोटरी क्लब भोपाल हिल्स का अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रीवास्तव हूं। आज वृक्षारोपण का जो आयोजन है, उसके क्या आयोजन कर रहे हैं? वृक्षारोपण का जो हमारा रोटरी क्लब भोपाल है, हम लोगों ने बहुत बृहद रूप से वृक्षारोपण का प्रोग्राम बनाया है। हम दो वृक्षारोपण पहले भी कर चुके हैं। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसलिए हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि चूँकि प्लेटिनम जुबली है, तो 75 पौधे तो कम से कम लगाएंगे और उसके ऊपर जो हो सकता है और भी। सर, किस प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं? फल के ज़्यादा पौधे हैं, बहुत वैरायटी है। कम से कम 10-12 वैरायटी के पौधे हैं हमारे पास में। क्या सर, घर घर भी पौधे लाने का कोई संदेश देना चाहेंगे आप? घर घर पौधे लाने से घर घर पौधे बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जैसे हमारे साथ में जो ड्रीम भोपाल भोपाल हमारे साथ में हैं, और ये तो बहुत सब जगह इसी स्लोगन को लेके चलते हैं कि घर घर पौधे लगाने। सर, अक्सर देखा गया पौधे तो लगा दिए या छूट जाती है या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमने अपने तरफ से तो पहले वो जगह चुनी है जहाँ पर की देखभाल हो सके। जैसे कि हमने रक्षा विहार में जो हमारे रेसिडेंसीज हैं उनके बगल में एक पार्क है, तो उसमें लगाए हैं, जहाँ पे वहाँ पे नल वगैरह भी लगा हुआ है और वहाँ पे माली रोज आता है, तो वहाँ पौधे। इसी तरह से हमने दूसरा पौधा का पण जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में लिया, वहाँ उनकी पूरी देखभाल होती है। आज जो हम पौधारोपण इस पार्क में कर रहे हैं, गोयल फैमिली के सामने, घर के सामने हैं, वो उसका पूरा देखभाल करेंगे। बल्कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जो पेड़ा हो रहा है उसमें डंडी भी लगाएंगे, ये सब करेंगे पूरी तरह। इसी तरह से हम जो और जगह भी चुनेंगे, तो इस विचार से चुनते हैं कि जो हम पौधे लगाएं वो पूरे के पूरे नहीं तो 90% सर्वाइव। सर, रोटरी क्लब लगातार से आज़ादी का जश्न मनाए रहे, तो क्या तिरंगा जैसे यात्रा या तिरंगा वितरण भी करेंगे आप लोग? जी, तिरंगा वितरण आज हो रहा है, जो निःशुल्क हो रहा है बहुत से लोगों को। कितने झंडे बांटेंगे आज? 75 हर चीज़ में 75 हमारे साथ है। मैं अमित वर्मा, सेक्रेटरी रोटरी क्लब भोपाल। रोटरी क्लब शहर को हरा भरा बनाने में लगा हुआ है, देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इसके अमृत महोत्सव में क्या तिरंगे झंडे भी वितरण करेंगे, रैली भी निकालेंगे, किस प्रकार जश्न मनाएंगे आज़ादी? बिल्कुल, हम लोगों का यही विचार है कि लोगों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ाई जाए और साथ में प्रकृति के प्रति उनका प्यार भी बढ़ाया जाए, इसीलिए आज पौधारोपण भी किया जा रहा है और साथ में झंडा वितरण भी किया जा रहा है। दोनों की संख्या 75 रहेगी, अगर उससे ऊपर हम कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। स्पर्श द्विवेदी, मैं फाउंडर हूँ ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल का, और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए रोटरी क्लब हिल्स भोपाल और एवं ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल ने मिलकर आज यहाँ पे प्लांटेशन आयोजित किया है, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 75 पेड़ ज़रूर लगाएं और हम अपने आने वाली जनरेशन्स को भी एक मैसेज दे सकें, एक गिफ्ट दे सकें कि वो भी आगे आने वाले समय एक आज़ादी भरा जीवन जिएं, जिसमें कि हम लोग सबने देखा कि कोविड काल में कैसे लोगों को ऑक्सीजन की कमी रही, तो इस तरह की किसी भी चीज़ों के लिए उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और खुद इससे ये नेचुरल ऑक्सीजन उनको उपलब्ध हो पाए। सर, आज का युवा
निकाला है? देखिए, हम जैसे भोपाल के रहवासी हैं और सर के मार्गदर्शन, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं उनके मार्गदर्शन से हमें ये समझ में आया कि हम अपने आने वाली जनरेशन से क्या कर सकते हैं वो बहुत अहम है, और आज करना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कि हम कल क्या कर सकते हैं। तो हमें लगा कि हमारा जो शहर है हमेशा से सुंदरता और ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, और पिछले 10-12 वर्षों में काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी डेवलपमेंट्स की वजह से डेवलप हुई है, तो उसको वापस वैसा सहेजने के लिए हम लोगों ने काम किया है। और अभी तक लगभग 3 वर्ष में हम लोगों ने 15,000 पेड़ लगाए हैं, पर हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि पेड़ों को बचाए भी, तो ऐसी ही जगह पर पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ पर 3 चीज़ों की उपलब्धता हो, पानी हो, केयर टेकर हो और कवर्ड कैंपस हो।